नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। तो आज आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आपको पेश कर दिए हैं। तो ये साथ ही कंपनी ने आपको Q2 के रिजल्ट के साथ ही आपको 21 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया, जिसकी आपको रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर से है, और आपको जो कि इसका पे आउट कब तक हो जाएगा, 8 नवंबर 2024 तक आपको डिविडेंड का पे भी कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। जुलाई सितंबर तिमाही में आपको 39,315 करोड़ की यहाँ पे आपको आय देखने को मिली थी, जो कि आप बढ़कर 40,966 करोड़ रुपए हो गया। और अगर हम अबिटा की बात करेंगे तो अबिटा में आपको 8,288 करोड़ से बढ़कर ये 8,649 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि अबिटा मार्जिन में भी बिना बदलाव के 21.1% की आपको ग्रोथ देखने को मिली, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर 3.1% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट आपको सितंबर तिमाही में आपको 6,368 रुपये से बढ़कर 6,506 करोड़ का आपने प्रॉफिट जनरेट किया। तो यहाँ पे पिछली तिमाही में 6,368 करोड़ था, जो आगे बढ़कर 6,506 करोड़ हो चुका है। तो इन नतीजों के आधार पर अगर हम SBI सिक्योरिटी एनालिस्ट के हिसाब से देखें तो उन्होंने कहा कि जो कि अनुमान से बेहतर रहे आपको इन्फोसिस के रिजल्ट Q2 के, और आगे भी शेयर में आपको कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इन्फोसिस गाइडेंस आपको मेन रखना चाहिए, यहाँ से गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया, जो कि FY25 का 3.75 से बढ़ से 4.5% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिया। कंपनी ने गाइडेंस बढ़ाई है, इससे पहले आमदनी की ग्रोथ 3 से 4% थी, और अब ये ग्रोथ बढ़कर 3.75% से 4.5% कर दी गई है, जो कंपनी का पॉजिटिव आउटलुक है। और यही आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में, और आने वाले वाली क्वार्टर में भी आपको इन्फोसिस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।